तो फाइनली पठान मूवी OTT पर रिलीज हो चुके हैं एंड भाई आज हम बात करेंगे इसके कुछ एक्सटेंडेड वर्जन्स के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ भाई अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को आगे कभी मिस ना कर पाओ। तो हम डायरेक्टली बात कर लेते हैं पठान मूवी के, पहले हम थिएटर वर्जन की बात करते हैं एंड उसके बाद हम OTT की बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो पठान मूवी थिएटर में रिलीज हुई थी वो रिलीज हुई थी कुछ 2 घंटे 26 मिनट के आसपास की, एंड जो हमको OTT पर देखने को मिलती है तो OTT पर हमको ये मूवी देखने के लिए मिलती है 2 घंटे 29 मिनट। हाँ गाइस, OTT पर हमको इसका 3 मिनट का एक्सटेंडेड वर्जन देखने को मिला है एंड उसमें कुछ 4 सीक्वेंस है जो हमको देखने के लिए मिलते हैं। अगर बात करूँ वो 4 सीक्वेंस का कुछ इतना ज़्यादा मैटर करते हैं मूवी के लिए तो भाई बिल्कुल नहीं मैटर नहीं करते। हाँ एक बोल सकते हो 1-2 सीक्वेंस है जो मैटर करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो हमको थिएटर में वर्जन देखने के लिए मिला वो बेस्ट था एंड OTT पर भी जो देखने के लिए मिला वो भी बेस्ट है, बस हमको थोड़ा सा माल मसाला एक्स्ट्रा देखने को मिल रहा है। सो बात कर लेते हैं हमको इसके 4 वर्जन कौन कौन से थे। तो भाई सबसे पहले नंबर पर आता है कि जब पठान अपने जिम रॉस से लड़ाई के लिए प्लानिंग करते रहते तो वहाँ पर एक पठान की छोटी सी एंट्री दिखाई है लंबे बाल में, जो एक लुक दिखाते हैं वो लुक बहुत ही ज़्यादा ऑसम थी एंड भाई डेफिनेटली अगर वो लुक थिएटर में रिलीज होती तो उस पर सीटें बजनी तय थी। हाँ अगर हम सेकंड सीक्वेंस की बात करें तो सेकंड सीक्वेंस ये है जब पठान दीपिका पादुकोण को जिम रॉस के पास से बचा करके लेके आते तो फिर दीपिका पादुकोण को इंटेरोगेट किया जाता है, जो कि सीक्वेंस हमको थिएटर में देखने के लिए नहीं मिलता लेकिन हमको OTT पर देखने के मिलेगा एंड जो कि कोई पिक्चर के लिए मेरे हिसाब से मायने नहीं रखता। एंड बात कर लेते थर्ड की, तो थर्ड है डिम्पल कबाड़िया जब प्लेन में जाते हैं पठान से मिलने तो वहाँ पर वो पठान की बैक स्टोरी बताती रहती है जो कि कुछ रशिया से रिलेटेड रहती है। एंड जो भाई हम फोर्थ सीक्वेंस की बात करें तो वो भी कुछ इसी से ही रिलेटेड है, जो डिम्पल कबाड़िया रशिया की स्टोरी बताते रहते हैं वही हमको लाइव कैम में देखने को मिलती रहती है, जहाँ पर SR के कुछ अपने डायलॉग्स भी बोलते हैं एंड वो भाई डायलॉग्स मस्त थे। तो बात कर लेते हैं अब जो आप लोग से मैंने कहा कि कुछ 2 ही सीक्वेंस इसमें मैटर करते हैं, तो मेरे हिसाब से एक तो जो जिम रोज से प्लानिंग करते वक्त पठान की एंट्री है एंड जो रशिया में फाइटिंग करते वक्त जो उनका दिखा रखा तो वो सीक्वेंस मेरे हिसाब से बेस्ट थे। एंड ओवरऑल बात करो तो पिक्चर जैसा हमको थिएटर में एक्सपीरियंस देती है वैसे ही हमको OTT पर भी एक्सपीरियंस देती है। तो बस भाई आज की वीडियो यहीं तक की थी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।